कोविड-19 से संक्रमित होम आइसोलेट किए गए मरीजों के समुचित इलाज और देखरेख के लिए गठित रैपिड रिस्पांस टीम की बैठक प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी डीएम सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने रैपिड रिस्पांस टीम से होम आइसोलेट मरीजों की स्थिति और उनकी समस्याओं की जानकारी हासिल की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने निर्देश दिए कि होम आइसोलेट किए गए कोरोना संक्रमितों की स्थिति के संबंध में जानकारी लेते रहें और गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल में शिफ्ट कराएं, जिससे समय रहते उनका उपचार किया जा सके। सीडीओ ने कहा कि अगर कोई गंभीर रूप से संक्रमित मरीज अस्पताल नहीं जाना चाहता है तो उसके ऊपर कोविड महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी डीएम सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, कहाँ बुलाऊं चौहान साहब को, सुरेश को बुलाऊं? ये प्रकरण चल रहा है एक महीने से और ये कहना कि ये बड़ा कर रहे हैं और नहीं देखिए ऑर्डर है सुरेश चौहान साहब के लिए, वो अपने हैंड से चाहे जिससे करावे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका अफसर अगर जो कहेगा वो करेंगे हम लोग। देखिये ब्रजेश मुझे बोले थे, ब्रजेश सही कह रहा है, मैं ब्रजेश की बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए हमारे फेलियर्स हमें तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा जब तक हम अपने एनालिसिस नहीं करें। हमने स्टार्ट किया था कि डॉक्टर्स को कहा था पहले कल, यही था आप लोगों ने अपनी ड्यूटी करके दिखा दी 463 से 282 गलती करती। सेकेंड अब बात जब आज और क्लियर हुई तो हम लोग पहुंच गए जो जो इसको असाइन कर रहे हैं। पवन सिंसियर है, यहाँ पे हमारे साथ आ गए, पवन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने अपना काम पूरा कर रखा है, ठीक है, तो वही कॉम्प्लीमेंट है। अब सुरेश क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ की बात है, हाँ ये यही चाहिए। अब सुरेश क्या कह रहे हैं कि एक और बंदा जो असाइन करना है, तो आपको किसी के पीछे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे परसेप्शन बनती है कि वो अपने काम को सीरियसली ले। हो सकता है बहुत सिंसियर हो लेकिन परसेप्शन यहाँ यही बन रही, अब उनको बुलाया जाए यहाँ पे, उनसे फिर बात करते हैं, ठीक है। तो ये 40 जो अलॉट कर रहे हैं ये सुरेश की है, तो अभी पूछ लेते हैं उनको बुला लो, एक तो उनकी ड्यूटी क्लियर कर दो। बेलगांव की 6 बच्ची है, सेंटर आइसोलेशन एंड हो रहा है। हाँ ये देखिए बेलघाट, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपके पवन है, इनसे रोज बात आपकी हो जानी चाहिए, किसी का कोई पेंडिंग नहीं बनना चाहिए। जो है आइसोलेशन स्टार्ट हुआ था 2-10 को, आज एंड हो रहा है, लेकिन आरआरटी रिजल्ट पेंडिंग है, जिम्मेवार है आप ही नहीं हो, एमओसी भी। क्वेश्चन पूछा जाता है चीफ सेक्रेटरी साहब ऐसा पूछते हैं, अभी बोलते तुम्हें भेजा क्यों आप, चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा ना हो, लेकिन पिन पॉइंट अगर डॉक्टर आयुष के हैं कि एमबीबीएस है, बताइए आयुष है आपके बीएमएस है, ठीक है, ये आप मुझे बताइए कि ये 26 वाली जिसका 23 वाली जिसका जो है जयप्रकाश संतोष कुमार मौर्य, अच्छा सर इसमें जो है इसमें सुनीता यादव, अच्छा सुनीता यादव ये जो है डॉक्टर का नंबर है, ये जयगढ़ की दुनिया के हैं, शुभम कुमार और गीना देवी हम लोग, ये दोनों हमारे पीएससी के लोग हैं, इन लोग से मेरे यहाँ का निजी रहते हैं और ये लोग काफी ठीक है। नहीं लेकिन इनका ये बताइए कि इनको 10 दिन हो गए पॉजिटिव आए, आपकी आरआरटी टीम क्यों नहीं गई? आरआरटी हमारी जो कोरोना की लड़ाई है कोविड में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और आरआरटी के काम को हम रोज़ रिव्यू करते हैं ताकि कोई पेशेंट होम आइसोलेशन में डॉक्टर के से छूट ना जाए, तो हमारा ये प्रयास भी है और हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव आ गया होम आइसोलेशन में है उसको आरआरटी टीम विजिट कर ले और अगर उसकी वो कोमॉर्बिड है, उसको डायबिटीज़ है, उसको शुगर है या कोई और अन्य गंभीर बीमारी है तो वो होम आइसोलेशन में रहेगा, उसको हम अपना जो लेवल 2 है टीबी हॉस्पिटल या बीआरडी है वहाँ शिफ्ट करा के उसका सही तरीके से इलाज कराएं। उनके लिए ये है कि हम देखिए हमें आपकी जो जान बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसको पूरा करने के लिए फिर हम लोग हर तरह से उसको कन्विंस करते हैं, उनके परिवार को समझाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे तो जो डॉक्टर बताएगा कि अगर इनको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करा दिया जाए। हाँ लेकिन वैसे लोग मान जाते हैं, लेकिन अगर नहीं कोई मानेगा तो अधिनियम में कार्रवाई भी की जाए।